वेलकम टू केसेस स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये सेट 3 है गाइज, इसके पहले सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिक से लेके पूरे जितने भी टॉपिक है उसको कवर होने वाले हैं और एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से छूटने वाला नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आज के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, और बहुत ही एक क्विक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चंस डायरेक्टली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक ही बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके छोड़ देने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के डैश है। तो क्या है यह गाइस, विभिन्न प्रकार के? तो उसका आंसर है ये माइक्रो कंप्यूटर्स है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स के कैटेगरी में कौन-कौन से आते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, लैपटॉप कंप्यूटर्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं एंड स्मार्टफोन्स भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजिट्स इज रेफर टू एज अ बाइनरी कोड। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अंक के जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है? तो बाइनरी कोड किसे कहा जाता है? द आंसर इज, आपको पता है 01। तो 01 के पेयर को बाइनरी कोड कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता है कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज समझती है, और वो मशीन लैंग्वेज इन द सेंस 01 समझती है, बाइनरी कोड समझती है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अ सेंट्रल कंप्यूटर that holds collection of the data and programs for many PCs, workstation and other computers is dash। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी, वर्कस्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्राम का संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? तो उस सेंट्रल कंप्यूटर को क्या कहते हैं गाइज? सर्वर कहते हैं। सर्वर कंप्यूटर ये मेन मास्टर कंप्यूटर रहते हैं और इससे जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट है वो है ना स्लेव रहते हैं, और यही सेंटर सर्वर जो सेंटर कंप्यूटर है सबको कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, उसमें डेटा और प्रोग्राम्स मिनी कंप्यूटर्स को सेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वॉज डैश, है ना, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो कौन सा था गाइस पहला मिनी कंप्यूटर? उस पहले मिनी कंप्यूटर का नाम है PDP-8। तो पहले मिनी कंप्यूटर का नाम क्या है गाइस? PDP-8 है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर महंगा कंप्यूटर है? तो महंगा कंप्यूटर कौन सा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? तो आंसर इज, वो मेनफ्रेम कंप्यूटर है। तो जनरली सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा आता है गाइस? मेनफ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, उपयोगकर्ता आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर डैश लागू करता है। तो क्या लागू करता है गाइज? यूजर जनरली अप्लाइज मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को नोड अप्लाई करता है। ठीक है, तो यूजर जनरली जब भी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को यूज करना रहा तो वो जनरली अप्लाइज क्या करता है? नोड करता है। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज डैश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट IMP। तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला कंप्यूटर क्या बोला हुआ? फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा था गाइज? उसका नाम है सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट। वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल्ड, ये भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था, ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये कहाँ किया गया? कोलकाता में। और कोलकाता में कहाँ पे? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में है, और कोलकाता के ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में भारत का पहला कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया डैश, ठीक है, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो क्या नाम है गाइज? उसका नाम है परम। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, और भारत का पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट।
प्रत्यूष इज डैश फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. प्रत्यूष डैश दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है. तो प्रत्यूष ये नाम का जो सुपर कंप्यूटर है दुनिया में कौन से नंबर का है, उसका नंबर है गाइज 4. आपको बता रहा है कि दुनिया में सबसे फास्टेड सुपर कंप्यूटर कौन सा है एंड किस कंट्री से बिलोंग करता है. ठीक है, क्या ये जापान से बिलोंग करता है और ये फुगाकू है क्या, आपको बताना है. ठीक है, दुनिया का सबसे फास्टेड कंप्यूटर का नाम बताना है और कौन से कंट्री से बिलोंग करता है. और अपने इंडिया का प्रत्यूष ये फोर्थ नंबर का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फिलहाल. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर इज. ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से एग्जाम्पल बताओ सुपर कंप्यूटर के. सुपर कंप्यूटर कौन से कौन थे, तो कौन से कौन थे गाइज, ऑल ऑफ दीज. क्रे 2 भी है, क्रे XMP24 ये भी है और तियानी 2 भी ये भी है. तो तियानी 2 सुपर कंप्यूटर है, क्रे XMP24 ये भी है और क्रे 2 ये भी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया. निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है. तो भारत ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया, तो उसका नाम है गाइज, भारत का सुपर कंप्यूटर बनाया कौन था, परम युवा 2. तो भारत ने, है ना, भारत ने सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है कौन सा, परम युवा 2. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, इन 1991 इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस सुपर कंप्यूटर नेम डैश वॉज डेवलप बाय विजय भटकर. मोस्ट आईएमपी. ठीक है, ये क्वेश्चन गाइज एसएससी सीजीएल में, बैंकिंग में, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं आएंगे और एसएससी सीजीएल में जो एग्जाम होने वाले वहां देख ही लेना. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 1991 में विजय भटकर द्वारा डैश नामक भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित गया. तो भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर किसने विकसित किया गया, किसने बनाया, विजय भटकर ने बनाया. कब बनाया था, साल 1991 में. और उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, उसका नाम है परम 8000. तो परम 8000 इसे बनाया गया, विजय भटकर ने बनाया, 1991 में बनाया और यह पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है. ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर. मोस्ट आईएमपी. ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है. तो किसे जनक कहा जाता है गाइस, द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, द आंसर इज सेमोर क्रे को. तो सेमोर क्रे ये फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग है. आपको बताना है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बैबेज है क्या, चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया है क्या. वैसे ही मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कौन है, एलन ट्यून है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस. ठीक है, और सुपर कंप्यूटिंग का, कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर कौन है, सेमोर क्रे है. ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर नेम्ड प्रत्यूष वाज अनवील्ड डैश. बोलना क्या चाहता है, प्रत्यूष नाम के भारत के सबसे तेज और पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर डैश का अनावरण किया गया. तो कहां पे बनाया गया था, ये भारत का पहला फास्टेड और फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है प्रत्यूष और दुनिया का सबसे फास्टेड फोर्थ नंबर का है ये. तो कहां पे बनाया गया, तो इसका नाम है ये पुणे में, और पुणे में किसने बनाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेथोडोलॉजी ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेथोडोलॉजी ये पुणे में है, उन्होंने इंडिया का फास्टेड और मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का नाम है प्रत्यूष बनाया. ठीक है, और दुनिया का चौथे नंबर का है. नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट, विषम चुने. ठीक है, इस चार ऑप्शन में से क्या ऑड मैन आउट है, तो क्या है गाइज, ये डिजिटल कंप्यूटर है. तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, ये एक से ज्यादा काम करते हैं, मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे फ्रिक्वेंसी है, बट डिजिटल कंप्यूटर में सिर्फ डिजिटल ही वर्क होता है, दैट्स व्हाई डिजिटल कंप्यूटर ये ऑड मैन आउट है. ठीक है, नेक्स्ट, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ डैश. एक हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें डैश के संयुक्त गुण होते हैं. तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रॉपर्टीज होती है गाइज,
ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर है। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के मिलन से हाइब्रिड कंप्यूटर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश कंप्यूटर इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर। इट इज यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद द क्वांटिटीज यूजुअली यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार डैश है। उसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संबंधित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा आम प्रकार है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर? द आंसर इज, उस कंप्यूटर का नाम है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर है और इसका यूज किस लिए किया जाता है? इंफॉर्मेशन के प्रोसेस करने के लिए विद द क्वांटिटीज यूजुअली यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेटर वर्क्स ऑन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स वर्क मेथड? मोस्ट आईएमपी। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर किस टाइप के कंप्यूटर मेथड पर कार्य करता है? द आंसर इज डिजिटल कंप्यूटर। तो कैलकुलेटर ये वर्क्स डिजिटल कंप्यूटर के वर्क मेथोडोलॉजी के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, कैलकुलेटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज मेनली रिलेटेड टू कन्वर्ट एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मुख्य रूप से एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने में संबंधित है? तो कौन कन्वर्ट कर सकता है गाइस एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म? द आंसर इज, उस कंप्यूटर का नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ये कन्वर्ट एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म में काम कर सकता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन विशेष प्रयोजन कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन नहीं है? जब ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको क्या पढ़ना है, कौन है, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो कौन नहीं है गाइज, ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से है? ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, उसके बाद मल्टीमीडिया कंप्यूटर, ये भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, बट वर्ड प्रोसेस ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग? स्वचालित विमान लैंडिंग में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया गया? तो किस प्रकार का कंप्यूटर यूज किया गया ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में? तो उस कंप्यूटर का नाम है गाइस स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ये यूज किया गया कहां पे? ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा और सबसे तेज दिमाग की नकल करने वाला कंप्यूटर है? तो कौन सा कंप्यूटर है गाइस? द आंसर इज, ये क्वांटम कंप्यूटर है। क्वांटम कंप्यूटर ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो दिमाग का नकल करके काम कर सकता है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट, तो ये थे गाइस अपने टॉप 25 क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट ही है ना, ये रोज के 25 क्वेश्चन है ना, 23 क्वेश्चन मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन होने वाले है। रोज के 25-25 क्वेश्चन खत्म करोगे तो एक दिन आपके आने वाले महीने में जब एग्जाम रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर होने वाले हैं गाइस, है ना। ये वीडियो रिवीजन पर्पस भी है और नॉलेज पर्पस भी है। आपको नोट्स निकालना है, नोट्स निकाल सकते हो। आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ बना के भी आपको सेंड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस जुड़े रहने के लिए केसी स्टडी सर्कल के साथ, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स पाने के लिए क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, देख के छोड़ना नहीं है, है ना, सब्सक्राइब भी किया करो और बेल आइकन को दबाना है, आपको फ्यूचर के वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज अगेन, एंड सबका मंगल हो और सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।